सदन में आए हैं, नया होने का एक अंतराव उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील की। इसके पहले लोकसभा में कानून मंत्री ने बिल पेश किया। हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का ये प्रावधान SC ST सीटों पर भी लागू होगा। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल बिल के हक में हैं, मगर इस शिकायत के साथ कि इसमें OBC कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर वो अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछले वर्ग की महिलाएं हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 27 साल में ये पांचवा मौका है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इससे पहले 1996, 1998 और 1999 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की कोशिश विफल रही। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन मनमोहन सरकार लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में यही बिल उसने राज्यसभा में पास कराया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। मैडम, आपकी आपकी मांग थी। महिला आरक्षण। दरअसल 2024 से पहले इस ऐतिहासिक बिल के पास होने का अपना राजनीतिक मतलब भी है, और इसका फायदा कांग्रेस और BJP एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगी। अच्छी बात यह है कि राजनीति की शक्ल और सूरत भी इस बिल से बदलेगी। जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ऐसा देखा गया है दुनिया के विकसित देशों में कि जब भी महिलाओं की भागीदारी प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ा है तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज है, उसमें महिलाओं की भूमिका उनका महत्व भी बढ़ा है। और इसलिए भारतीय संसद में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन जाएगा तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला नेताओं की, सांसदों की भागीदारी वो बढ़ेगी, पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा, और इससे निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कानून और देश में पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। संसद भवन से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।